तो अभी यहाँ से भैया लोग बाय करो भैया, और अपने अपने वहाँ जा रहे ननिहाल, ननिहाल नहीं अपने गांव जा रहे आज। हाँ ननिहाल तो यहाँ है, और ये देखो ये भाभी जी, अब इनको टीका लगा था। अरे जोर से पकड़ो हमारे हमारे साइड वाले जेब खाली और ये देखो एक पोतिया राम लखन देखो ना देखो एक शांत हो गया अब ये दोनों के दोनों भी जा रहे हैं अभी। ये भैया का बेटा है, दीदी का बेटा ये हमारा पोता है, ये हमारा नित्या है, ये दोनों राम लखन है। सेम सेम लग रहे अभी बिल्कुल। हाँ भाई, और उधर से हमारे ननद और जमाई जी भी जा रहे हैं, वो देखो बाय। ये है सबसे छोटे चाचा चाची, टाड़ा जरूर जलूल जलूल। बाय चीना, बाय बाय। हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी हम दोबारा से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं ना। तो हेलो नमस्ते प्रणाम और पहला आप सभी को मेरा, तो होप आप सबके साथ एकदम बढ़िया होंगे, अपन लोग एकदम मस्त हैं। तो अभी जो बुआ के बेटे बहू दीदी जीजा जी थे वो लोग गए हैं, और दूसरे मतलब ये ननद लोग भी हमारे जा रहे हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं अभी चिताई गुलू देवता के मंदिर। इस लड़की को देखना है कैसे रो रही है, आज इसकी विदाई हो रही है क्या छोटी, ये औरों को विदा करके आ रही है सामान छोड़ के। छोटी छोटी अब तू बड़ी होगी, अभी हम लोग मंदिर जा रहे थे ना, रास्ते मिल गए हमको, रो रही है छोटी। चलो भाई रोते नहीं है, चल मंदिर जा रहे हैं। इधर भाभी जी, भाभी जी और भी आज घर जा रहे हैं। भाभी जी हैं ताई की बहू, मतलब मेरी सासू माँ की बड़ी बहनी। हाँ ताई बोलते हैं उनको, हमारे जिठिया बोलते हैं जिठिया। सुन 16 को आ रहे हैं, उस दिन पार्टी करेंगे, 16 को आ रहे हैं दिल्ली में, 16 को दबा के पार्टी करेंगे हम, ठीक है। 17 को लद्दाख, सुन तो सही मेरी बात, 16 को आ रहे हैं, 16 को चल जाएगी ना तू, 16 तक आराम से जाना। मुझे आज जा रही हूँ, 16 को हम आ रहे हैं, चल 16 को आ रहे हैं फटाफट, और तेरे 2600 रुपए गूगल पे कर दूंगा, तेरे माल आगे पैसा लौटा दूंगा मैं, 2600 रुपए पूरे के पूरे सूद समेत वापस दूंगा, ठीक है बाय। और आज इसके कितने इसने इसने YouTube में वीडियो डाली, क्या नाम है तेरा YouTube का चैनल का नाम, समीक्षा नयाल, समीक्षा नयाल शर्मा के बोल दिया, तो इसका YouTube चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना, और उसकी वीडियो भी लाइक करना जिसमें पूनम की और मेरी शादी हल्दी की, मेरी भी हल्दी की। चलो आयुष्मान भाव, और ये हमारे देवर जी यहाँ से लगे हुए ताई लोगों का सामान ले जाने में, देखा देवर जी को कूली बना रखा हमने। अभी यहाँ पे ना कच्ची रोड, मतलब कच्ची नहीं है गांव वाला रास्ता है, हमको ठीक वहाँ पे जाना है जहाँ पे कच्ची रोड है। चलो 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 चलो, ऐसे देवर तो चाहिए काम करने के लिए, लेवर तो ना लेवर है। ये भी सही मैच कर रहा है वैसे, देवर के देवर नहीं लेवर। तो पहुँच गए अभी हम यहाँ अपनी कच्ची रोड में, तो ये है ताई जी मतलब मेरी सासू माँ की बड़ी बहन, इधर भाभी जी और इधर माँ भी तैयार हो रही है। तो हम सबके सब जा रहे हैं आज मंदिर, और ये जा रहा है आज दिल्ली, मिलेंगे फिर इसको, कितनी जल्दी हो रही है। और इधर ससुर जी उधर भाग गए, मैं इधर आई उधर भाग गए कैमरे से, फोटो खेलने से नफरत। हे भगवान, मेरे मम्मी पापा के लक्षण कहाँ गए, फिर अरे कोई नहीं, अभी गाड़ी में बैठेंगे तब आ जाएंगे। हे भगवान, और ये राहिल भी पहुंच गए इधर। हेलो, जैसे कि आप देख रहे हैं हम नदी के बीच से निकल रहे हैं, और बहुत जल्दी पुल बन जाएगी फिर हमारे गांव के लिए, जिसके बाद बरसात में स्कूल के बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। सीजन के पहले कहां पर परसों भी खाए थे शादी के, इतने मीठे नहीं थे अभी ये मीठे वाले, पहले से आज हमें खरीदने पड़ रहे हैं, पहले से हम इनको तोड़ने के तोड़ने जाते थे जंगल, जो कि इजीली मिल जाते थे। आप देखो आज देखो, कोसी है ये, कोसी कोसी है, कोसी कोसी से अभी हमने जाना अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से देन चितई मंदिर। तो अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ मंदिर में, देखो Thank you.
व्यवस्था ना, जूते यहाँ कौन सी जगह? मुंबई में अंधेरी, अंधेरी थाने के पास मुंबई से मुंबई में हमारे वहाँ की जैसे लग रही हो। चलो जी, बहुत शुक्रिया मिलते तेरा नाम क्या है बलब? तो भाई ऐसा, कल तो हम लोग मंदिर से आके ना थक गए थे, कल हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया और फोन भी स्पेस भर रहा था, तो अभी ना आज मैं सीधा अगले दिन शूट करी, वो भी अभी हम लोग सफाई कर रहे थे, तब तक यहाँ पे जो जड़े होते ना वो आए हैं अभी, तो नीचे गाना बजाना चल रहा है, अभी दिखाती हूँ आपको। नेटवर्क नहीं है वहाँ शायद। मैं फिर समझ गई। हमने देर लगाया यहाँ से, ठीक है? पाँच, ये पाँच तो चलो भाई, हमको आशीर्वाद भी मिल गया और अभी नीचे देखते क्या कर रहे, मतलब वो इतने में मान गए। एक मिनट पकड़ना, मैं रुमाल लेती हूँ माँ से।
ऐसा लग रहा है एक खुशी और आ गई घर में। सब देखने लग गए यहाँ पे, रौनक यहीं पे लग गई आज भी। तो ये चली नहीं बहू चाय देने मेहमानों को, गांव वाले लोगों को। और तो इतने चाय पीने वाले विटनेस है, ये देख लो वीडियो को, चाय पीने वाले कितने हैं, गुड़ की चाय। रवि की मम्मी, इसको देखो रवि की मम्मी, तुम्हें बाहर देख ले तुमको चलो खलियो खलियो। यो चाह तू जल्दी में पको ने सब वे ठुल मेहमानों विदाई रहे। अरे गुड़ नहीं दिया तू, गुड़ नहीं लेगा, गुड़ ले, गुड़ खा ले, ले बेटा खा। पापा का चिन पापा, चप्पल सुल्टे पहन पहले ड्यूटी, बताना कैसी चाय। मुझे तो चाय नहीं पिलाई, वो तो है। अब देरी लास्ट में, वो भी बिना गुड़ के, गुड़ तो दो। अरे यार मुझे ना गुड़ की वही नहीं है, हम चीनी की चाय पीते हैं ना, तो चीनी की चाय, पहाड़ी पहाड़ी आदमी चीनी की चाय नहीं पीता, वही कभी भी गुड़ की चाय की आदत होती है उसको। आज हम लोगों को आशीर्वाद ही मिल गया है, और अभी हम लोगों का जस्ट खाना हुआ है, अभी 3:30 हो गए हैं, बर्तन धो के ऊपर कमरे में आ रही हूँ अपने, क्योंकि ससुर जी माँ लोग और क्या बोलते रोहित ये सब बिजी हो रखे हैं काम करने में, ये अपना हिसाब हिसाब में बिजी हो रखे हैं। मैं करने वाली एडिटिंग, मेरे को ऊपर भेजे क्योंकि मेरी एडिटिंग नहीं हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बोला जाओ एडिटिंग करो अपनी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से ना ब्लॉग नहीं डाले, पता ही है शादी में बिजी होने के कारण। और कुछ ऐसा भी हो गया कि भाई बहनों ने ना मेरे फ़ोन की सेटिंग ख़राब कर दी है, मेरा जो वीडियोस वगैरह है वो काइनमास्टर में शो नहीं हो रही है, और मुझे बहुत दिक्कत आ रही है इस चक्कर में, तो मैं फटाफट से एडिटिंग करती हूँ। आज मैंने सेट कर दिए यहाँ पे, ये देखो इतना सामान हो रखा हमारा भी ले जाने लायक, अभी देखते कब तक करते हैं। अभी मैं एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आज एक ब्लॉग तो अपलोड कर ही दूँगी। तो मैं जा रही हूँ अभी नीचे, क्योंकि मुझे कोई मतलब नहीं नहीं बहू को कोई पिठाई लगाने आया है, तो अभी चलते हैं, यहाँ का रिवाज है ये। पेटीकोट भी रखो, साड़ी भी रखो, धोती भी रखो, ब्लाउज भी रखो, सब रखो। तुम लगाओ ना ताई जी, बेटा तुम लगाओ। बुआ भेज तुम मेरे, हिंदी में बोला पहाड़ नहीं समझे, समझन छू बने, समझन छू ले बस ये जो जो बस लो सब आपस में दे सासे बस ये बस ला जी लो संत मुआ रे सब आशीर्वाद है वो। तो ये देखो यहाँ पे पता क्या रिवाज है, जैसे नई नई ब्योली आती है ना, तो उसको सबके सब पूरा गांव ना, पूरे गांव के जो परिवार वाले जो भी होते हैं या गांव वाले होते हैं, वो सबके सब ना टीका लगाने के लिए आते हैं। और ये देखो ऐसा ऐसा वाला टीका लगता है वैसे, यहाँ से यहाँ तक लाल टीका, फिर बीच में पीला टीका, फिर यहाँ से यहाँ तक लाल टीका ऐसे लगाते हैं, और उसके बाद फिर हमको ये टीका मिलता है जिसमें हमने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। और जो लोग मतलब आते हैं ये पिठाई लगाने के लिए, उनको माँ लोग जो है वो अपनी तरफ से साड़ी, जैसे यहाँ का रिवाज है कि साड़ी के साथ सिर्फ साड़ी नहीं देते, साड़ी देते हैं, पेटीकोट देते हैं, रुमाल देते हैं, मतलब तीन चीज़ें होती है यहाँ के, उसमें 3 या 5 तो वो दी जाती है सबको जो लगाएगा। हाँ ऐसा सीन है यहाँ का, हमारे कल्चर से बिल्कुल ही अलग। अभी हमको ये भी सेट करना है, और मुझे लग रहा है जितना हमने शॉपिंग में खर्चा किया होगा उसका आधे से आधा का आधा तो निकाल ही दिया होगा ना, है? सही बोल रहे हो। थैंक यू थैंक यू, एक ही काम आता है इनको थैंक यू बोलना बस।
अब मैं एडिट करती यार, मैं जैसे एडिट करने बैठी पहले बंदर आ गया यहाँ पे, फिर बुला दिया क्योंकि आज ना आज सब लोग फ्री हैं, फ्री गए मतलब हमारे मेहमान चले गए हैं, तो जब सब सुबह से आने पे लगे हुए, बस ऐसे ही चल रहा है आज, तो हमको बुला दिया जा रहा है। वहाँ पे भी